सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब अपन कर रहे हैं देहरादून से चेकआउट। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हम देहरादून में स्टे कर रहे थे, रॉबर्स केव गए थे हम कल। आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। तो अभी टाइम हो रहा है 11:16, तो अब चेकआउट का भी टाइम हो ही गया, तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ आसपास ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए अपन रुके हैं एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है प्यारी पहाड़न, दैट्स द रेस्टोरेंट। एंड यार यहाँ पे धूल इतनी ज़्यादा है ना कि मास्क लगाना ही पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा धूल है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या स्पेशल पहाड़ी डिशेज है। सो इसके अलावा अपना रेगुलर डिशेज भी है यहाँ पे, बट पहाड़ी डिशेज भी हैं स्पेशल। तो जी अभी अपने छोले भटूरे आ गए हैं, अभी और भी खाना हमने ऑर्डर किया है तो अभी वो खाना है। एंड ये अभी आए हैं हमारे उड़द के दाल के पकोड़े, जिसे हम कहते हैं उड़द की दाल के बड़े। हम घर में तो खाते हैं बहुत, बट यहाँ पे देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी काफ़ी अच्छे से बना के दिया है। तो ये चटनी भी दाल की है और ये पकौड़े उड़द दाल के हैं। तो अभी हम निकल गए हैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए। तो यहाँ से ऋषिकेश का डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, और उसके लिए अभी हमने ओला की कैब करी है। एंड अभी हमारे कैब वाले अंकल CNG भराने रुक गए और यहाँ इतनी लंबी लाइन है। देहरादून से ऋषिकेश का डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, जिसका ETA तो दिखा रहा है 1 hour 20 minutes, बट ऋषिकेश में एंटर करते ही एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है जहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। तो वहाँ कितना टाइम लगता है ये देखने वाली बात है। बाकी अगर आपको देहरादून में साइट सीइंग करनी है, सो यू कैन ईजिली हायर अ कैब और टैक्सी, विच विल कॉस्ट यू समथिंग बिटवीन 2000 to 3000, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू आर विजिटिंग और द नंबर ऑफ आवर्स यू रिक्वायर द कैब फॉर। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बुक अ कैब फ्रॉम देहरादून टू ऋषिकेश, इट विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 2000 rupees प्लस टोल। सो यू कैन कॉन्टैक्ट एनी ट्रेवल एजेंसी फॉर कैब, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर कैब बुकिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अपन ने तो ओला आउट स्टेशन बुक किया है एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कॉस्ट अस 2000 प्लस टोल। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन बजट, यू कैन ऑल्सो गो फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो देर आर अ लॉट ऑफ बसेज गोइंग फ्रॉम देहरादून टू ऋषिकेश, एंड थोड़ी थोड़ी देर में बसेस चलती रहती हैं देहरादून ISBT से। So now we have entered Rishikesh city and this is Rishikesh Ames, and यहाँ से अपने को right मुड़ना है। And here you can see a dam. तो जी यहाँ से अपन पहाड़ चढ़ना शुरू हो गए हैं एंड अभी AC बंद कर दिया है, विंडोज खोल लिए हैं, बट मौसम यहाँ पे गर्म ही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रखी है।
सो गाइज वी हैव रीच ऋषिकेश, अभी 3:30 हो रहे हैं। हम 1 बजे निकले थे, वैसे 1 घंटे का रास्ता था पर बहुत ट्रैफिक था और बहुत पतले रास्ते हैं तो इस वजह से जाम बहुत ज़्यादा था। तो अभी फाइनली ऋषिकेश पहुँच गए हैं एंड दिस इज़ आर होटल, होटल गंगोत्री प्लाजा। सो ये होटल लक्ष्मण झूला के पास में है और नदी यहाँ से पास में ही है, 1 किलोमीटर होगी। मेन मार्केट भी यहीं पे है। तो अभी हम जाके चेक इन करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर शाम को जाएंगे ऋषिकेश घूमने। सो अभी हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, रिवर व्यू रूम है और हिल व्यू रूम है। रिवर व्यू रूम के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो 5th फ्लोर में है एंड लिफ्ट नहीं है। सो अभी हम देखने जा रहे हैं, अगर हमें वो वर्थ लगता है तो हम ले लेंगे। दिस इज़ द रिवर व्यू रूम। इसकी बैल्कनी से गंगा रिवर का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो अभी जो अपन ने देखा वो रिवर व्यू रूम था एंड दिस इज हिल व्यू। इसकी बैल्कनी थोड़ी बड़ी है बट व्यू यहाँ से कुछ खास नहीं है। दिस इज द व्यू। सो अपन 5th फ्लोर वाला रूम ही ले रहे हैं क्योंकि उसका व्यू अच्छा है। तो अभी अपन जा रहे हैं 5th फ्लोर वाले रूम में। इतने तो सीढ़ियाँ चढ़ ही लेंगे यार, व्यू इम्पोर्टेंट है। दिस इज द रिवर व्यू रूम, अपन ने अभी यही वाला लिया है। ये 2 सोफे दे रखे हैं यहाँ पे, मिरर, अलमीरा। बाकी रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। दैट्स द बेड। दिस इज़ दी वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस एंड हाइजीनिक है। एंड दिस इज़ दी बैल्कनी। यहाँ से गंगा रिवर का काफ़ी अच्छा व्यू है। तो यहाँ से ऋषिकेश का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। सो इसीलिए हमने थोड़ी मेहनत करना फिर भी क्या बोलते हैं क्या चाहा, हमने सोचा कि थोड़ी मेहनत कर लेंगे पर व्यू इम्पोर्टेंट है। तो जी अभी बज रहे हैं 5:30 और अभी अपन जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। सो गंगा आरती के लिए यहाँ से हम जाएंगे परमार्थ आश्रम। परमार्थ आश्रम में गंगा आरती होती है और गंगा आरती का टाइमिंग है 5:30 से 7:30। तो 5:30 तो हो चुके हैं तो अब निकलते हैं आरती के लिए। यार गंगा आरती 2 जगह पे होती है, यहाँ पे परमार्थ आश्रम और यहाँ लक्ष्मण झूला के पास। तो जो परमार्थ आश्रम है वहाँ थोड़ी बड़ी आरती होती है और यहाँ थोड़ी छोटी आरती होती है। बट परमार्थ आश्रम में अभी बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, मतलब गाड़ियाँ हिल ही नहीं रही हैं। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं लक्ष्मण झूला के पास आरती देखने।
तो लक्ष्मण झूला तो अभी बंद है क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि ये डैमेज हो गया था तो अभी इसीलिए बंद कर रखा है, इसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो गाइज अभी तो हम आ चुके हैं, गंगा आरती देख ली थी हमने, काफ़ी अच्छी रही। यहाँ लक्ष्मण झूला के पास में गंगा आरती थोड़ी छोटी थी पर अच्छा था क्योंकि भीड़ कम थी, और परमार्थ आश्रम के लिए तो यहीं से इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था तो वहाँ तो पता नहीं कितनी भीड़ होती। और उसके बाद फिर हमने डिनर भी कर ही लिया था, ऐसी स्ट्रीट फूड खा लिया था, मोमोज नूडल्स गोलगप्पे ये सब खा के आना पेट भर गया। तो अभी अपन आ गए हैं रूम में, तो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि अपना रिवर राफ्टिंग का प्लान है। रिवर राफ्टिंग है अपनी कौन सी जगह से, फूल
फूल चट्टी, फूल चट्टी से है। तो आज की वीडियो को करते हैं यही ख़त्म और आपसे मिलते हैं कल। टिल देन कीप वॉचिंग।